Hi everyone, so today we are going to learn about that Python is why known as an interpreted language. So let's start. So Python को interpreted language बोलते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि Python जो है वो interpreter को use करके ही अपना work करता है, ठीक है? Interpreter होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए. So interpreter is a language processor. लैंग्वेज प्रोसेसर भी कह सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं. सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर मेंट फॉर कन्वर्टिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है? ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. द लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग फॉर राइटिंग आर प्रोग्राम दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ठीक है? तो कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आता है. तो कंप्यूटर को अगर वो लैंग्वेज समझानी है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कन्वर्ट करने के लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है. सो पाइथन जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करता है उसे बोलते हैं इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर जो है वो लैंग्वेज जब ट्रांसलेट करता है तो वो लाइन बाय लाइन करता है. इट मीन्स अगर आपने पूरा प्रोग्राम लिखा है तो फर्स्ट लाइन को इंटरप्रेटर रीड करेगा और उसे हाई लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसी टाइम एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? तो ये इसका वर्किंग स्टाइल होता है इंटरप्रेटर का. सपोज आपने पाइथन का एक प्रोग्राम लिखा है जिसे हम सोर्स कोड भी बोलते हैं, ठीक है? सोर्स कोड को इंटरप्रेटर रीड करता है, सोर्स कोड की फर्स्ट लाइन रीड करेगा और उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके उसी टाइम ही एग्जीक्यूट कर देगा. एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर वो जब लाइन को कन्वर्ट करता है, अगर आपके किसी भी लाइन में कोई सिंटेक्स एरर होगी, इमीडिएटली इंटरप्रेटर आपको उसी टाइम बता देगा कि इस लाइन में एरर है. वो नेक्स्ट लाइन को कभी भी रीड करके कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक आप पहली लाइन की एरर को रिमूव नहीं करते. तो इंटरप्रेटर इस तरह से वर्क करता है. उसके बाद लिखा है इफ देयर इज एन एरर इन एनी लाइन इट रिपोर्ट्स इट एट द सेम टाइम एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी रिज्यूम अंटिल द एरर इज रेक्टिफाइड. तो जो भी मैंने आपको अभी समझाया कि एरर जब तक आप रिमूव नहीं करोगे तब तक सेकेंड लाइन को ना तो रीड किया जाएगा और ना ही एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय इंटरप्रेटर. नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द मेमोरी एवरी टाइम. कि जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे इंटरप्रेटर अपने आप ही प्रेजेंट होता है. हम एक्स्ट्रा उसको ऐड नहीं करते हैं. तो इंटरप्रेटर इनबिल्ट होता है पाइथन के अंदर. उसका वर्क होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को रन करना. जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम इंटरप्रेटेड होता है, उसके बाद आपको आउटपुट नजर आती है. सो ये थी वर्किंग इंटरप्रेटर की. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइथन को इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.